आया तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल डेली एकेडमी पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और पिछली क्लास में मैंने कोडिंग डिकोडिंग की टाइप थ्री बताया था। टाइप थ्री में मतलब कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीन प्रकार के पूछे जाते हैं। तो उसमें जो दो प्रकार के मैंने क्वेश्चन बताए थे, एक बच रहा था तो उसको मैं आज बताऊँगा। और कल वाली क्लास में मैं जब करा रहा था तो पहला क्वेश्चन था जिसमें पेरेंट लिखा प्रेजेंट लिखा हुआ, तो उसमें आंसर एक्चुअली 6 का स्क्वायर + 6 था और कई लोगों ने सही जवाब दिया था। और तो मेरा वहाँ एक्चुअली काउंट करते समय वो गलती हो गई थी, इसलिए मैंने 7 + 7 लिख दिया था, 56 हो गया था। तो वो मतलब आप उस जिनके आंसर 42 आ रहे तो बहुत सही थे, उसमें कई गौरव के और बाकी लोगों का आ रहे थे, तो वो मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी काउंट करते समय, तो वो थी। और आज मैं मतलब लेटर टू नंबर जो आपका वर्ड टू वर्ड है टाइप थ्री है, उसमें मतलब दो तीन क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको जो तीसरे प्रकार की वैरायटी बनता है तो वो वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आज मैं टाइप थ्री खत्म कर दूंगा, टाइप फोर की भी शुरुआत करने का प्रयास करूंगा, आप देखें उसको। तो पहला उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें से एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है डेली है, आप देखें आप हमेशा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जब तक सेशन नहीं स्टार्ट होता थोड़ा दो चार मिनट आप पहले वेट किया करें, दो चार मिनट तक आप वेट किया करो, कभी भी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए सेशन आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे 9 बजते हैं वैसे मतलब आप सेशन लेट होता तो आप भागने लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा सा दो चार मिनट वेट किया करिए और आप जब तक रहते हैं तब तक आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि शेयर करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। किसी एक व्यक्ति अकेले शेयर करने से नहीं बल्कि ज़्यादा लोगों को शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो सेशन अगर थोड़ा बहुत लेट हो तो थोड़ा वेट कर लिया करिए आप उसके लिए, ठीक। तो जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लिखा हुआ डेली के लिए कोड लिखा हुआ है, कहता है कि डेली का जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपका 7 है 3 है 5 है 4 है 1 है। दूसरा जो वर्ड आपको लिखा हुआ कलकत्ता लिखा हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है कलकत्ता लिखा हुआ है, ये आपका जो है कलकत्ता है, ये आपका यहाँ से इसके लिए कौन सा वर्ड लिखा हुआ, तो आपने कहा कि 8 2 5, उसके बाद है 8 9 6, उसके बाद 2 है, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है उसी कूट भाषा में कलीकट का बताना है आपको, किसका बताना है, कलीकट का बताना है, ये आपका क्या है, यहाँ से आपका इसका आंसर देना है। तो ये टाइप थ्री का है, मैं इसको बता चुका हूँ लेकिन तब भी मैं लिखता हूँ। ऑप्शन इसके मैं लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन आपके लिए देखें, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके लिए लिखा जा रहा है 52 79 431 है। बी ऑप्शन देखें, मैं लिखता हूँ 5 9 7 8 0 1 3 है। सी ऑप्शन आपका जो लिखा हुआ है वो 8 2 है, 8 2 5 1 8 2 5 1 8 9 6 लिखा हुआ है। और लास्ट ऑप्शन आपका डी जो दिया हुआ है, आपका यहाँ से ए हो गया, डी आपका जो दिया हुआ है वो क्या रहा है, कह रहा है कि 8 5 4 3 8 5 4 3 6 9 1 है। तो ये लिखा हुआ, ये मैंने बताया था आपको जब भी लेटर शब्द से शब्द वाली कोडिंग कैसे होती है, तो जब भी आपको पकड़ने की ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ कैसे पता किया जाएगा कि ये शब्द से शब्द हैं, तो जो भी दो अक्षर लिखे जाते हैं तीसरा आपसे पूछ रहा होता है, तो आप इसको एक बार टाइप करिए फिर मैं बताता हूँ, एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो अब मैं सोल्यूशन इसका बताता हूँ, सोल्यूशन मैं बताता हूँ, देखें थोड़ा सा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन इसको कैसे किया जाए, मैंने बताया था कि जब भी आपको कितने दो, यहाँ पर तीन वर्ड टोटल है, तीसरे का निकालना, दो वर्ड दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप पता कैसे करोगे कि ये वर्ड से वर्ड है यानी शब्द से शब्द है, तो जो अक्षर यहाँ पर कामन दिखाई दे रहा है आप हमेशा उन अक्षरों का आस्था, जैसे यहाँ पर यल कामन दिखाई दे रहा है, मैंने कहा यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यल आपको कामन दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा यल के लिए जो कोड लिखा जा रहा है क्या वो सेम है, तो आपने कहा हाँ यल के लिए कोड आपका सेम दिखाई दे रहा है। और कोई अक्षर कामन दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा यहाँ पर डी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, आई और बाकी नहीं, कोई वर्ड और कामन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपको कामन दिखाई दे रहा है उसका वर्ड कोड आपको कामन जब दिखाई देता है, तो यानी कि जो अक्षर ये नीचे वाला पूछ रहा है ये इन्हीं में से ही पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा कलीकट का लिखना होगा तो कैसे लिखें, सी का यानी कि पहले स्थान पर अगर सी है तो उसका कोड भी क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 8 हो जाएगा, तो यहाँ से सी के लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए के लिए क्या लिखा जाएगा, तो आपने कहा कि यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो आपने कहा 2 लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यल यहाँ पर है, यल के लिए अभी अपने कोड क्या देखा, तो आपने कहा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई है, आई देखो यहाँ पर लास्ट में है, तो इसके लिए क्या कोड हो रहा, तो आपने कहा 1 हो जाएगा, ये लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर उसके बाद यहाँ सी है, सी के लिए क्या कोड होगा? तो मैंने कहा सी के लिए कोड तो आप सबको पता है, तो आपने कहा कि 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यू है, यू के लिए कोड क्या हो जाएगा? तो यू देखो इधर से चौथे स्थान पर, यानी कि 9 हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो बच रहा टी है, टी के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 6 हो जा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन जिसका सी सही हो रहा होगा आंसर में, वो क्या होगा? ये होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था। लेटर आपको वर्ड टू वर्ड होता है, ठीक है, वो भी सेम इसी पैटर्न पे लिखा गया है, वो भी आसान है। जैसे लिखा हुआ है एन ए एस, यहाँ पर लिखा हुआ है एन ए एस सी ई एन टी, इसके सामने जो आपको लिखा जा रहा है वो लिखा रहा है 27, 34, 5 to 6 है, 5 to 6 है। लिखा जाए तो उसी कोड में सेंटेंस का आपको बताना है, सेंटेंस का क्या कोड हो जाएगा? एस ई एन टी ई एन, उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा वर्ड है? सी है। तो यहाँ पर आप देखें इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन मैं तब तक लिखता हूँ, आप देखें थोड़ा सा। पहला ऑप्शन आपको लिखता है यहाँ पर 35 है 36 35 56 52 52 है और 35 है। दूसरा आपका लिखा जा रहा है बी ऑप्शन क्या, 35 है, 25 है, 62 है, 45 है। सी आपका क्या लिखा जा रहा है? तो आपने कहा कि यहाँ से 35 है, 26 है, 52 है, 45 है, एंड डी आपका क्या लिखा जा रहा है? तो आपने कहा कि 35, 25, 65 और 75 लास्ट में लिखा जा रहा है, ये आपका है। तो आपके लिए कुछ से करना है, आप करके बताएं। अगर एन ए एस सी ई एन टी का अगर कोड आपको 2734 एंड 526 दिया हुआ, तो सेंटेंस का कोड क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको देखने के बाद ये पता चल ही रहा होगा। आप आंसर बताएं। तो देखें मतलब सोल्यूशन इसका, देखिए सभी लोग बोर्ड पे देखें, जिनके आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे, जिनके नहीं आ रहे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए यहाँ से आपको देखें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यस यहीं से दिखाई दे रहा है। तो यस का जो यानी कि जो वर्ड लिखा हुआ है, जितने स्थान कुल टोटल कितने वर्ड है, तो पहले काउंट कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। यहाँ जो संख्या लिखी जा रही है वो भी कितनी है, तो आपने कहा 7 ही लिखी जा रही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर वर्ड कौन सा था, आपने कहा यस है। तो यस के तीसरे स्थान पर कोड क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा 3। तो यस के लिए कोड क्या हो जाएगा, आपने कहा 3। यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, ई यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कौन से, तो आपने कहा ई आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चले जरा, यहाँ से यन है, यन पहले पा रहा था, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से टी दिखाई दे रहा है, टी लास्ट में दिखाई दे रहा है, टी के लिए क्या कोड हो जाएगा, तो आपने कहा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, ई के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कोड हो जाएगा, तो आपने कहा कि ई के लिए अगर यहाँ से कोड देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि 5 दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से आपका कौन सा वर्ड है, तो आपने कहा यन है, यन के लिए फिर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आपको सी दिखाई दे रहा है, सी के लिए क्या हो जाएगा, सी भी देखिए चौथा वर्ड कौन सा है, तो आपने कहा यहाँ 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से आपको ई है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 35, 26 और 52, 45 जोन जो भी कोड मैच हो रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये लिखने का तरीका है, ये हो गया मतलब कोडिंग के लिए वर्ड टू वर्ड में। एक दो क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ थोड़ा सा अलग वाले में, तो 2 क्वेश्चन हो गए। मैं तीसरा क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें थोड़ा सा आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ, बहुत आराम आराम से आप उसको नोट करते हुए बताएं जल्दी से आंसर, उसमें कुछ होता नहीं है। कहता है यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। क्वेश्चन में फिर से पढ़ता हूँ, पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से फल किस पे लगते हैं आपको बताना है। अब मैं इसके ऑप्शन भी लिखता हूँ, क्वेश्चन भी लिखता हूँ, तब तक आप इसका आंसर बताएं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ से इसको मैंने कल तरीका बताया था, इसको कैसे कहते हैं, पानी को क्या कहा जाता है, तो आपने कहा भोजन। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो आपने कहा कि यह आपका क्या हो जाएगा, भोजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखें, भोजन को क्या कहा जाता है, तो आपने कहा वृक्ष। भोजन आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा वृक्ष मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, तो आपने कहा आकाश। वृक्ष को कहाँ का क्या कहा जा रहा है, तो आपने कहा आकाश है। और आकाश को क्या कहा जा रहा है, तो आपने कहा कि दीवार है। आकाश को क्या कहा जा रहा है, दीवार है। ये दिया हुआ तो मुझसे पूछ रहा फल कहाँ लगेंगे, ये आपको बताना है, फल कहाँ लगेंगे, निम्नलिखित में से फल कहाँ लगेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, तो आपने कहा पानी।
बी ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, तो आपने कहा भोजन। एंड सी ऑप्शन आपका जो दे रहा है वो आकाश है और वृक्ष है। सी ऑप्शन आपका आकाश है। एंड डी ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, तो आपने कहा कि वृक्ष। तो आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। एक ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं इसमें आपको। आपको पता होता है कि फल हमारे कहाँ लगता है, वृक्ष पे लगता है, पेड़ पे लगता है, यही है। तो मैंने कहा कि यहाँ सीधा सीधा एक चीज़ आप बताओ, वृक्ष का कोड क्या लिखा जा रहा है, आकाश लिखा जा रहा है, यानी कि फल मेरा कहाँ लगेगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। जिसके आंसर आकाश आ रहे हैं बहुत अच्छे, जिनके नहीं आ रहे चेक करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें, तब बताएं कि लाइव क्लासेस 9 बजे चलती है। ये आपकी जिम्मेदारी, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे एक और मैं क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 4 मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, तब तक आप उसको एक बार आप नोट करते हुए आंसर बताओ, तब तक मैं फिर बोर्ड पे लिखूंगा। कहता है, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। क्वेश्चन फिर से, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। ये मतलब क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन दिए गए, मैं आपको लिखता हूँ, तब तक आप इसका आंसर बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप बताओ। लिखा हुआ है, यदि वर्षा को क्या कहा जाता है, तो आपने कहा कि वर्षा को क्या कहा जाता है, तो आपने कहा जल कहा जाता है, ये हो गया। उसके बाद अगला वाला जो दिया है, जल को वायु कहते हैं, जल को क्या कहते हैं, तो आपने कहा वायु कहा जाता है। अगला वाला वर्ड क्या था, वायु को क्या कहते हैं, तो आपने कहा कि बादल कहा जाता है, वायु को क्या कहा जाता है, बादल कहा जाता है। और बादल को क्या कहते हैं, तो आपने कहा आकाश कहा जाता है, आकाश हो गया, आकाश हो गया। और आकाश को क्या कहते हैं, तो आपने कहा कि समुद्र हो गया, आकाश को क्या कहते हैं, तो आपने कहा समुद्र हो गया, ये दिया हुआ है। और समुद्र को क्या कहते हैं, तो सड़क कहते हैं, समुद्र को क्या कहते हैं, तो आपने कहा कि सड़क कहते हैं, सड़क कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन आपका जल है, पहला ऑप्शन आपका जल है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, तो आपने कहा सड़क है। आपका दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, सड़क है। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, तो आपने कहा समुद्र है, समुद्र है। और चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन क्या दे रहा है, तो आपने कहा कि वायु दे रहा है, बादल दे रहा है। क्या दे रहा है, बादल दे रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन का सलूशन देखें, हवाई जहाज कहाँ उड़ती है। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, नॉर्मली सबको पता होता है कि हमारे आकाश में उड़ती रहती हवाई जहाज। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आकाश का जो कोड है वो क्या हो रहा है। तो आप, क्योंकि हवाई जहाज हम सबको पता होता है, हमारा सलूशन अपने आंसर आ गए होंगे। तो मैंने कहा कि आकाश में मतलब हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो आपने कहा आकाश में उड़ती हैं। तो आकाश का कोड क्या है, तो आपने कहा कि समुद्र है, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि समुद्र हो जाएगा। समुद्र आपका कौन सा ऑप्शन, आपने कहा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना था। तो यहाँ तक आप मतलब नोट कर लिए होंगे। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा आप देखिए मतलब बोर्ड पे क्यों आप सुने सभी लोग, तो उसमें क्या मतलब ये करना है कि मैं टाइप 3 में एक और वैरायटी का बचता है तीसरे टाइप का, उसको मैं बता देता हूँ, ताकि आपकी पूरी ये टाइप 3 तक पूरी कंप्लीट हो जाती है, फिर उसको टाइप 4 में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुने, कॉपी पेन रख के आप लोग देखें। टाइप 3 का एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, मतलब आपके CGL का आया हुआ क्वेश्चन 2014 का है, मैं उसी को लिख देता हूँ। मैं इसको लिखता हूं, देखें यहां पर आपको दिया हुआ है, आप बोर्ड पे देखते रहें सभी लोग, थोड़ा सा एक मिनट। यहां से ए है, प्लस दिया हुआ है, यहां पर आपको सी है, फिर ई है, फिर जी है, फिर एच है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर N है, P है, R है, T है, और लास्ट वाला जो वर्ड आपको दे रहा है वो आपने
कौन सा वर्ड है, तो आपने कहा यस दे रहा है, इतने वर्ड दे रहा है, ठीक है। अब इसके कोड दे रहा है, नीचे ऊपर वाला अक्षर है, नीचे वाला को क्या दे रहा है, कोड दे रहा है, ठीक है। यहाँ से माइनस है, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है, ये बराबर है, इक्वल है, ये ब्रैकेट छोटा वाला स्मॉल वाला, ये कैपिटल वाला ब्रैकेट, उसके बाद आपको यहाँ हैच है, उसके बाद यहाँ पैरेलल है। इसमें आपसे पूछा गया पी है, आर है, आई है, एन है, टी है, इसका कोड बताना है। देखिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसका कोड पूछा गया सीधा सीधा। कोड कैसे लिखा जाएगा, देखिए पहला अक्षर यहाँ पर पी है, पी के लिए जो इसके सामने लिखा जा रहा है वही कोड है, तो मैंने कहा कि पी के लिए जो बन रहा है वो तो सिंबल ये वाला ले रहा है, ठीक है। आर के लिए कौन सा सिंबल ले रहा है, तो आप आर चेक करो क्या है, तो आपने कहा कि हैच है, तो आपने ऐसे हैच बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई पर चेक करो तो कौन सा स्मॉल वाला ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा, एन पे चेक करो, आपने कहा एन पे जो आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल वाला ब्रैकेट, तो आपने कहा ऐसे बनेगा। टी पे आपका क्या बन रहा है, टी पे आपका जो बन रहा है वो पैरेलल बन रहा है, ऐसे ही वो बन गया। ये क्या होता है टाइप थ्री में, ये जो यहाँ से आपको पैरेलल है या यहाँ से इसका उल्टा पूछ सकता था कि आपको सिंबल दे दे, कोड दे देगा, अक्षर पूछ लेता था। इसमें दो ही प्रकार के आपको क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके होते हैं, तो आप ये वाले टाइप के वैरायटी, जो आपके वैरायटी वाले तीसरे वैरायटी क्वेश्चन है, आप इतना कर ले जाओगे। अब टाइप तीन तक आपके हो चुके, लास्ट ईयर है, टाइप टू फोर है, आप पूरा नोट्स प्रॉपर बनाते चले। टाइप फोर अगर आप पढ़ लेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपकी पूरी कोडिंग रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। टाइप फोर क्या होता है मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो आप जरूर कमेंट करें, नीचे कमेंट करें। सेंटेंस कोडिंग पढ़ा जाता है, इसे क्या बोला जाता है, सेंटेंस कोडिंग होती है, ये टाइप फोर आपकी है। वाक्य कोडिंग से हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आपने कहा कि वाक्य कोडिंग होती है। अब ये वाक्य कोडिंग क्यों से बोला जाता है, मैं अभी इसको बताता हूँ। कोडिंग ये हो गई आपकी, वाक्य कोडिंग आप देखें इसे क्या बोला जाता है, तो आपने कहा कि वाक्य कोडिंग ये हो रहा है, ठीक है, ये आपकी है। अब इसमें क्या होता है कि आपको तीन चार सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें थोड़े ये वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादातर रेलवे में आते हैं और ज़्यादातर आपके यूपी के एग्जामों में आते हैं, ये टाइप टू या टाइप फोर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेटर टू नंबर और सेंटेंस कोडिंग आपकी हर पेपर में आती है। ये थोड़ा आप मन से पढ़े, अच्छे से पढ़े। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन से एक लेडीज को ज़्यादा दी जा सकती है। क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं बताता हूँ। आप देखें क्वेश्चन नंबर एक, इसमें मतलब मैं लिखता हूँ, आप देखें, तब तक मैं जब लिखूंगा आपको इसका आंसर बताना होगा। देखें सभी लोग, मैंने कहा ये क्वेश्चन नंबर एक इसमें टाइप फोर में है, इसमें जो तीन चार सेंटेंस दिए हुए हैं, पहला सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि दिस इज डन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, दिस है, इज है, उसके बाद ये डन है। इसके सामने जो कोड लिखा हुआ जा रहा है वो 792 लिखा हुआ, कह रहा 7 है 9 है 2 है, ये वर्ड लिख रहा है। आपको अगला वाला जो वर्ड लिख रहा है 792 है, उसके बाद अगला जो सेंटेंस लिख रहा है दैट इज, यहाँ एक वर्ड लिख रहा है रिमेनिंग, That is remaining लिख रहा है, तो आपने कहा ठीक है ये remaining है आपका remaining। इसके सामने जो कोड दे रहा है 8 है, 2 है, 4 है, 824 है। और एक और सेंटेंस आपको लिख रहा है जो बहुत छोटा सा है, लिख रहा है remaining, यहाँ देखते रहे आप सब लोग, ये आपका लिखा जा रहा है remaining, और उसके बाद यहाँ से इज, उसके बाद आपको डन, और सामने जो आपको कोड दे रहा है वो 798 दे रहा है, 7 है 9 है, और इसके भी यहाँ से क्या दे रहा है, तो आपने कहा यहाँ पर 8 है, ये कामा लगा हुआ है, 798 है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि डन का कौन सा अंक होगा, यहाँ से पूछ रहा है आपका क्वेश्चन जो है, डन के लिए कौन सा अंक होगा, डन के लिए कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक आप करते रहें, कौन सा अंक होगा। इस ऑप्शन पहला मैं लिखता हूँ, पहला ऑप्शन आपके लिए क्या है, तो आपने कहा कि पहला ऑप्शन इसके लिए जो दे रहा है वो 4 है, पहला ऑप्शन आपका 4 है। बी ऑप्शन आपका क्या दे रहा था, आपका 7 है। सी ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, सी ऑप्शन आपका जो दे रहा है वो 2 है, और उसको डी दे रहा है 9, सी आपका 2, डी आपका क्या दे रहा है 9 है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऐसे बताना है। तो ये इसे क्या बोला जाता है, सेंटेंस कोडिंग बोला जाता है, इसे वाक्य कोडिंग बोला जाता है। ये क्यों, क्योंकि इसमें तीन चार सेंटेंस दे, अभी बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इनिशियल क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए छोटा रखा है, मैं इसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप ये देखें, ये पूरा सेंटेंस का दिस इज डन, उसके सामने 792, पहले आप बोर्ड पर देखें ध्यान से, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए देखें, जिनके आ रहे हैं बहुत अच्छे, जिनको नहीं आ रहे हैं बोर्ड पर आप देखते रहो केवल। तो मैंने कहा कि ये पहला सेंटेंस है, आप इसे क्या कर पहला मानो, ये दूसरा मानो, ये तीसरा, तीन सेंटेंस आपको दिए गए हैं। तो मैंने कहा ये दिस है, ये इज है, ये डन, बराबर 792 लिखा हुआ है।
फिर दैट इज रिमेनिंग, उसके बराबर 8 to 4 लिखा हुआ है, फिर रिमेनिंग इज डन 7, 9, 8 लिखा हुआ है। यहाँ तक आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका होता है कि पहले सेंटेंस के जो भी अक्षर दिए जाते हैं उन्हें आप लिख लो। यहाँ पर आपका दिस, उसके बाद आपका एज, उसके बाद आपका डन। पहले सेंटेंस के जो भी अक्षर दिए जाते हैं उन्हें सबको आप ऐसे नोट कर लोगे। फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ोगे, यहाँ पर दिस है, यहाँ पर दैट, एक नया शब्द आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या बोलोगे, दैट, आपने नोट कर लिया। इज आप नोट कर चुके दोबारा, क्योंकि पूरे सेंटेंस में इज का कोड एक ही होगा, इसलिए दोबारा इज को नोट करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ से एक वर्ड आपको नया जो दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि रिमेनिंग दिखाई दे रहा है, मैंने कहा इसको भी आप नोट कर लो। जो जो नया शब्द दिखाई देगा आप उसे क्या करोगे, नोट कर लोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ रिमेनिंग आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इज आप लिख चुके, डन है आपने पहले लिख चुका, आप कोई दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ से आप ध्यान से देखो इनके कोड कैसे बताया जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से आप इनको किस बोर्ड पे देखते रहो, मैंने कहा यहाँ इज यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इज यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इज यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि तीनों सेंटेंसों में जो संख्या कॉमन दिखाई देगी वही इज के लिए कोड होगी। तो मैंने कहा यहाँ पर आपको 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ 7 है, यहाँ पर आपका 9 है, इसमें क्या 8 है। तो मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों में कॉमन कौन सी गिनती दिखाई दे रही है। आपको यहाँ से अगर कॉमन देखोगे तो एक भी यहाँ 7 है, 9, 2 देखने के लिए, मैंने कहा जब कॉमन नहीं था उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ डन लिखा हुआ, डन के लिए डन सिर्फ और सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, आपने कहा डन इसमें दिखाई दे रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा, एक चीज, पहला 7, 9, 2 है, उसके बाद 8, 24 है, उसके बाद 2, 9, 8 है, सॉरी ये 2, 9, 8 है, ये जो आपका लिखा हुआ है 2, 9, 8 है, यहाँ से आपका क्या लिखा हुआ 2, 9, 8 है। अब आपका आंसर आ जाए देखें, मैंने कहा कि यहाँ से अगर आप पहले इसको देखोगे ध्यान से तीनों में दिखाई दे रहा है, इसके लिए कौन सी गिनती ऐसी जो तीनों में दिखाई दे रही है, तो 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ भी दिखाई, 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपका कोड क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने कहा यहाँ से देखो, अब पहले वाले में से इज निकल गया, यानी कि पहले से गोला बना लो, इसे गोला बनाओ, इसे गोला बनाओ, इसका आपका काम खत्म हो गया, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे कट मालूम होता है तो आपको पता चलेगा इसकी जरूरत नहीं है। डन पहले में दिखाई दे रहा, तीसरे में दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा पहले और तीसरे में ऐसी कौन सी गिनती है जो कॉमन दिखाई दे रही है, तो मैंने कहा यार 7 है, यहाँ 7 तो नहीं, लेकिन यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 है। तो मैंने कहा अगर यहाँ पर आप चेक करोगे, इनको चेक करोगे, पहले और तीसरे में तो आपको 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, पहले और तीसरे में क्या दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। दिस यहाँ बच रहा है, दिस के लिए कौन सा गिनती बच रही है, सिर्फ और सिर्फ 7 बच रहा है, दिस के लिए 7 हो जाएगा। यहाँ पर दैट है, दैट का मुझे नहीं पता, दैट एक ही आ रहा है, लेकिन रिमेनिंग यहाँ पर एक शब्द जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। दूसरे और तीसरे में ऐसी कौन सी गिनती जो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा 8 दिखाई दे रहा है, तो रिमेनिंग के लिए क्या हो जाएगा, आपने कहा 8। यहाँ पर दैट बच रहा है, दैट के लिए बचा हुआ कौन सी गिनती हो जाएगी, तो आपने कहा कि जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, तो आपने कहा 4, या इसके लिए 4 हो जाएगा। अब मेरा कोई ऐसा शब्द ही नहीं जिसका मतलब ये मैंने अभी तक कोड नहीं लिखा। अब यहाँ से आपको क्या पूछा गया, डन पूछा गया था, तो डन के सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, ये होता। अब आप किसी भी अक्षर का अगर वो पूछ रहा होता तो आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते। देखें एक बार, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, अभी इसी पे एक आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आप उसको करके बताएंगे, लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ कैसे किया गया। तो मैंने कहा कि ये दिस है, इज है, डन है, फिर यहाँ डैट है, इज है, रिमेनिंग है, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ रिमेनिंग है, यहाँ इज है, या डन है, इसके सामने कोड लिखा हुआ था, कोड लिखा हुआ था। मैंने कहा कि जो पहले सेंटेंस के जितने भी अक्षर दिए जाते हैं उन्हें आप क्या करोगे, नोट कर लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ो तो यहाँ पर एक नया शब्द दैट दिखाई दे, तो आपने कहा दैट नोट कर लीजिए। इज आप लिख चुके थे, तो एक शब्द का जो होता है चाहे जितनी बार आए उसका कोड एक ही होता है, उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैंने कहा उसके बाद यहाँ इज लिख चुके हो, तो आप यहाँ से क्या आ गया, रिमेनिंग, रिमेनिंग यहाँ लिखोगे क्या आ जाएगा, आपने कहा ये रिमेनिंग लिखा गया, यहाँ रिमेनिंग फिर से आप आ रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। इज लिख चुके, डन आपका नया शब्द, डन भी लिख चुके, तो उसको छोड़ दीजिए। अब मैंने कहा पहला यहाँ दिस है, दिस तो इसके अलावा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। इज को चेक करिए, इज यहाँ दिखाई दे रहा है, इज यहाँ दिखाई दे रहा है, इज यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा जब तीनों में दिखाई दे रहा है, तीनों के लिए मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में कॉमन होगी, आपने कहा 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो इज के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा डन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले और तीसरे में ऐसी कौन सी गिनती आपको कॉमन दिखाई दे, तो आपने कहा 9 दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, डन के लिए आपका 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो बचा हुआ वर्ड कौन सा, दिस है, दिस के लिए बचे हुई गिनती कौन सा है, 7 जो बच रहा है, एक अक्षर बच रहा है, एक गिनती बच रही है, उसका कोड हो जाएगा। यहाँ दैट तो मुझे नहीं पता, इसका मैं लिख चुका हूँ, रिमेनिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, रिमेनिंग यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा कि पहले दूसरे और तीसरे में कौन सी गिनती कॉमन हो रही है, तो आपने कहा कि 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, तो 8 मैंने लिख लिया, तो दैट के लिए जो बची हुई गिनती कौन सी हो जाएगी, 4। अब मैंने पूरा वर्ड लिख लिया, अब जिसका यहाँ सपोर्ट हो, जिससे डन का पूछ लिया, मैंने कहा 9 हो जाता, अगर रिमेनिंग का पूछ लिया तो मैंने कहा 8 हो जाता।
इसके लिए पूछ लेता 2 हो जाता, दिस के लिए पूछ लेता 7 हो जाता। तो जिस भी अक्षर के बारे में पूछेगा वो आपको क्या करना बताना होता है। तो सेम इसी एक पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, आप उसे करके बताएंगे। ये मेरी आप सबकी उम्मीद करता हूँ जिम्मेदारी है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक दिन शेयर करने या सब्सक्राइब करने से नहीं, आप अपने दोस्तों को बार बार बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि ये परिवार एक किसी व्यक्ति से बड़ा नहीं हो सकता, आप सबके सहयोग से बड़ा ही हो सकता पढ़े। और आप सब लोग जिम्मेदारी के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन। और मैंने बताया था कि जैसे ही मतलब लेखपाल की ऑफिशियली घोषणा की जाएगी तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। तो आप कोर्स की बिल्कुल टेंशन ना लें। और रेलवे पढ़ाया जा रहा है एनटीपीसी का ग्रुप डी को फोकस करके, तो आपको ये यहाँ पढ़ने के बाद आप रेलवे का एग्जाम दे के आइएगा, जो भी देने जाएंगे या डीआरडीओ का देंगे, तो उनको अगर इसके बाहर कुछ मिलेगा तो आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब आप इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा, केवल आप भरोसा रखिए, एक बार भरोसा करिए बस। उसके लिए इतना बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जहाँ रहें खुश रहें, थैंक यू।